फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक न्यूमरोलॉजी 2 के बारे में है, पर्टिकुलरली मूलांक के बारे में, मूलांक 2 के स्वभाव के बारे में है। इसका रीजन है कि मैं अगर सारे नंबर की लो बातें 7 को साइड कर दीजिए, वो लोग अगर चाहेंगे कि दूसरों का कुछ हानि करने के लिए, बुरा करने के लिए, वो कर देंगे, इजीली कर देंगे। लेकिन क्या होता है, 2 वाले, वो 2 पे नेचर है चंद्रमा जी का, वो कोमल होते हैं, सॉफ्ट होता है, पोलाइट होता है, झुक के रहते हैं और हमेशा इमेजिन पे रहते हैं। लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि किसी की बुराई हो, किसी की बुरा हो नहीं चाहते, वो दिल से नहीं चाहते। लेकिन ऐसा काम करेंगे, उनके हाथ से ऐसा काम हो जाएगा या कुछ पार्टिसिपेट लेंगे कि दूसरों की बुरा हो जाएगा, दूसरों की लॉस हो जाएगा, दूसरों की हानि हो जाएगा। तो मैं इसीलिए आज पर्टिकुलरली यही, इसीलिए उसको श्रापित नंबर कहा जाता है। वो तो सबका अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा काम करेंगे कि दूसरों का बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी जो अच्छा रेमेडी देगा। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में 5 प्रेजेंट रह गया तो आप सोच लीजिए लकी है, ये स्वभाव ना डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो मिडिल पे रह के स्टेबल कर दिया। लेकिन अगर 5 नहीं है तो आप सोच ले कि 2 का कैरेक्टरिस्टिक बहुत गुना में बढ़ जाएगा। मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, आप एक पिक्चर देखे होंगे तारे जमीन पर, एक वो जो बच्चे का जो जैसा रोल था, 2 का नंबर वैसा ही होता है। इमेजिन पे रहते हैं वो, तो सब पे होते हैं, इमोशनल होते हैं वो बच्चे की, आप सोच लीजिए बातें। लेकिन क्या होगा, आपको एक आपने कुछ बोले वो बच्चे को, वो हाँ जल्दी से हाँ भर देते हैं, हाँ बोल देंगे, आपको लगेगा कि पूरा मालूम हो गया है आपने क्या बोली। लेकिन अगर आप फिर से पलट के पूछेंगे कि मैंने क्या बोली पता, वो बोल नहीं पाएंगे। ये बहुत ही नेगेटिव क्वालिटी है क्योंकि वो माइंड पे नहीं लेते, आपने दूसरा क्या कुछ बोल रहे वो, इसीलिए क्या होता है, स्टेबल नहीं है, हर काम में स्टेबल नहीं करके पाते, चंचलता होती है, चेंजेबल होता है, अभी एक मूड पे दूसरे टाइम पे दूसरे मूड पे होते हैं। इसीलिए उनका आप कभी कभी देखे होंगे, मैं अगर आपके ही 5-6 बच्चे की बात कर लो, देखे होंगे 2 जो बच्चे का नंबर है उसका थोड़ा डेली वर्क रूटीन कंस्टेंट नहीं रहता। टाइम होता होगा स्कूल का, वो ठीक से रेडी नहीं होते पाते होंगे, कौन से टाइम पे निकलना है। पंचुअलिटी की बात नहीं करती, पंचुअलिटी तो तभी होगी जब उनका माइंड उनको बोलेगा, पंचुअलिटी की बात ही छोड़ दीजिए, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि वो दिल को लेके, दिमाग को लेके कुछ काम नहीं करते। अगर कोई गाली देगा 2 मिनट दिल को लेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। यानी कि उनका दिमाग, 7 का तो दिमाग नहीं है, लेकिन ये दिमाग ही नहीं लगाना, अप्लाई ही नहीं करना चाहते। यानी कि हमें कौन से टाइम में काम करना है, ये काम कौन से टाइम में, वो काम करना चाहते, प्लानिंग नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए क्या प्रॉब्लम होता है, डेली वर्क रूटीन जो है वो कर नहीं पाते, प्रॉपरली नहीं कर पाते। अगर सिंगल लाइन में वो तारे जमीन पर पिक्चर में जो बच्चे का जो रोल था वो ही। सो और भी एक बड़ा गुण होता है, खराब गुण क्या होता है ना, वो ही करते हैं जो उनको पसंद लगता है। उनको मालूम है कि वो सही नहीं है, कभी कभी उनको मालूम लगता है कि वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है, फिर भी उनको पसंद है इसीलिए वो करेंगे। ये तो बहुत ही बैड क्वालिटी है, तो इसके ऊपर वो उनको काम करना चाहिए। लेकिन और क्या है, 2 अलग होता है, 11 अलग होता है, 20 अलग होता है, 29 अलग होता है। इनमें से अगर स्ट्रांग है, 11 को सुपर पावर कहा जाता है 11 पे, लेकिन गुण तो लास्टली वो आएगा। लेकिन 29 पे 9 है, वो बहुत स्ट्रांग है। और इनका नेचर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, स्लो पे, सब काम स्लो पे थोड़ा करेंगे, स्लो पे चलते रहेंगे। लेकिन माइंड टेम्परामेंट बहुत हाई, अगर गुस्सा आ गया फट से सडन से बहुत एंग्री होके, यानी कि अपना आप सोचते नहीं होंगे कि सच में ये वाला आदमी, ये वाला पर्सन ऐसा इतना गुस्सा कर सकता है, तो ये बहुत बैड क्वालिटी है। और क्या होता है, 11 से बना हुआ है, वो थोड़ा अलग है, उसको न्यूमरोलॉजी में पावर मास्टर नंबर कहा जाता है। लेकिन मैंने जो गलती बोली, अगर कौन से नंबर पे ज़्यादा गलतियाँ भरा पड़ा है, वो है 2। अपने बात में अड़ा नहीं रहते, इसीलिए क्या होते हैं, स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पाते, माइंड से स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेते। इसीलिए अगर वो किस जिम्मेदारी पे खड़े होंगे हेड बन के,
तो सोचिए वो प्रॉब्लमेटिक करेंगे। वो खुद तो नहीं चाहते किसी की का बुरा करें या हानि करें, लेकिन उनके हाथ से सब बुरा हो जाएगा। मैं अगर एग्जाम्पल भी लूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर मैं हमारे राष्ट्रपिता जी मोहनदास करमचंद गांधी की भी बात लूँ, उनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर है। मुझे नहीं लगता है कि उनका डिसीजन सब ठीक था। और शास्त्री जी इतने भोले भी क्या थे, लाल बहादुर शास्त्री जी इतने भी क्या बोले थे जो उनको कोई बुला के ला के मार दिया, उनको पता नहीं चला। तो ऐसे में आपको सोचना चाहिए ना, आउटसाइड भी कुछ रहना चाहिए कि नहीं, आपका दिमाग नॉक करना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, कि क्या कुछ इतने भोले हैं पर्टिकुलरली 2 नंबर वाले, क्योंकि 111 पे 1 है, वो थोड़ा दिमाग वाले होते हैं, 29 पे भी 9 है। और ऐसे में क्या होता है, और राजीव गांधी जी भी उनका भाई 2 था, उनका भी 2 था। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि पर्टिकुलर जिनके बच्चों का 2 नंबर प्योर 2 नंबर होगा, उन बच्चों को थोड़ा गाइडेंस आपको करना चाहिए। वो रहा 20 नंबर वालों को वेल्दी ओमेन से अच्छा लाभकारी होता है। और अगर वो पर्टिकुलर 20 लोग वाले 0 भी रहा, उन लोग अगर कुछ वाटर के पास रहेंगे, वाटर के पास से उनका भाग्य दूर होता है, अच्छा होता है उनके लिए। तो अभी जो भी गुण हो गया, मैं लास्टली क्या रेमेडी कहना चाहती हूँ नेचर के थ्रू, क्या रेमेडी आप करेंगे? उनका माइंड चंचलता होता है, ज़्यादा भावुक होते हैं, सोचते रहेंगे, कुछ काम करते रहोगे स्पीडअप पे नहीं होगा। आप देखे होंगे जिस टाइम पे 29 वाले थोड़ा स्पीडअप पे काम करते हैं, उसके बाद 11 करते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलरली प्योर नंबर 2 पे देखे होंगे स्लो डाउन पे सोचते सोचते कुछ काम करते होंगे। बुक कुछ बुक्स ओपन किए पढ़ते रहेंगे, आप सोच रहे हैं कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पे भावुक हो जाएंगे। ऐसे प्रॉब्लम हुए तो बच्चों के लिए आप खुद ही सोचिए, मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप जाके अपने बच्चों के ऊपर ट्राई कीजिए, तो वही प्रॉब्लम हो जाता है। पर्टिकुलरली 2 नंबर जहाँ पे अटैच भी होगा वो नंबर पे ऐसा ही हो जाएगा। तो क्या हम करेंगे रेमेडी? तो रेमेडी ये बड़े लोग भी अगर 2 के हो या छोटे बच्चे भी हो, क्या करेंगे? अगर मैं बच्चों के बारे में बोल रही हूँ, उनका पढ़ाई से मन हम बार बार भटकता रहेगा, तो आपको उनके साथ कंसंट्रेशन से पढ़ाई सख्त होना चाहिए, लेकिन वो हैंडल विथ केयर, वो 2 वालों को बच्चों को हैंडल विथ केयर, यानी कि उनको थोड़ा धमका के रखना चाहिए, लेकिन इतना भी मत धमकाइए कि वो अंदर से टूट जाएंगे, उनको लगेगा कि वो इतने डेंजर है, तो वो भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। और क्या है, जिसका 5 हो तो वो अच्छा है, 5 उसको बैलेंस करके रखेगा, लेकिन जिन लोगों का 5 नहीं है, एक चंद्रमा का मूनस्टोन यूज कर सकते हैं, यानी कि मोती यूज कर सकते हैं, वो उसका चंचलता को कम करेगा। और इससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है क्या, येलो कलर, ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर यूज कीजिए, वो बुद्ध जी का है, लोसुक्रीट पे बुद्ध जी का है, तो वो जितना येलो कलर यूज करेंगे उसका थोड़ा माइंड पे स्टेबल आएगा, 5 नंबर आ जाएगा उनके। और 2 नंबर के बच्चों को हमेशा पीछे से धक्का देते जाइए कि वो आगे बढ़ते जाएंगे, उनको सही राह दिखाइए। और याद रहा कि 2 नंबर वालों को कभी भी उनका डिसीजन पूछना, अच्छा, क्योंकि वो इमेजिनेशन होते हैं, उनका बहुत सारा आइडिया आता है, आइडिया लेना, और लेकिन उसको क्या गलत है क्या अच्छा है ये सोच के काम करना, लेकिन कभी भी उनके ऊपर काम पूरा नहीं छोड़ना, क्योंकि चंद्रमा के जैसे अगर 15 दिन तक बढ़ते रहेंगे, जिस दिन तक उनका माइंड अच्छा चलता रहेगा तो पूरा अच्छे से करेंगे, लेकिन आपको कब पता चलेगा कि उनका माइंड तब डिक्रीज हो रहा है? अगर डिक्रीज टाइम में आपने उनको कुछ काम कर दिया तो डिसीजन पूरा गोल राउंड हो जाएगा, तो पूरा गया काम से, 0 मिलेगा आपको रिजल्ट। तो इसीलिए मैं बड़े लोगों को भी वही बात बोलती हूँ, जिनका पर्टिकुलर 2 है, अगर गर्ल है तो झुक के रहेगा वो अच्छा है, लेकिन 2 अगर बॉयज हो गए तो वो प्रॉब्लम देगा फैमिली के लिए। सो उनका 5 उनका नेम नंबर, लेकिन नेम नंबर इतना आसान नहीं होता 5, क्योंकि टाइटल भी रहता है, कभी पिता से जुड़ा हुआ होता है, तो ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबसे ज़्यादा अच्छा कहती हूँ कि आप येलो से येलो कलर ज़्यादा यूज कीजिए, और येलो से करने से वो एक वाइब्रेशन आपको ही अंदर से खुश रहेंगे, आपको लगेगा कि नहीं स्टेबिलिटी है। और भी हो सकता है आप स्फटिक, प्योर स्फटिक की माला हो या खाली भी स्फटिक आप ही यूज कर सकते हैं।